हाय गाइस मैं हूं मेघ और स्वागत है आपका पोकी मेक्स हिंदी में जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल स्टाइल मॉमी टॉक सो गाइस आज का जो वीडियो इट्स ऑल अबाउट विंटर हॉल गया सर्दियां आ गई हैं बहुत ज्यादा ठंड हो गई है दिल्ली में एंड आई हैव ऑर्डर्ड सम विंटर स्टफ मेनली फ्रॉम जारा इन कुछ मैंगो से मैंने मंगवाया है एवरी इज इज तो चलिए लेट स्टार्ट दिस विंटर हॉल वीडियो सो गायस फर्स्ट लेट मी शो यू मैंने जारा से क्या क्या लिया सो जारा से मैंने मेनली ना इस बार सारा ब्राउन एंड न्यूटोन लिया बिकॉज आई एम बिल्डिंग अप माई न्यूड विंटर वाटर मेरे पास कुछ भी नहीं था इन ग्राउंड एंड न्यूड्स एंड इस अभी मैं ना पिछले एक दो सालों से काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ एंड आई एम यू नो एक्सपेरिमेंटिंग विद ऑल द कलर पैलेट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी तक न्यूड पैलेट क्यों नहीं था आई मीन यू नो ब्राउन्स बेज ये सब क्यों नहीं थे uh, तो आई एम बिल्डिंग इट अप एंड आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज तो सबसे पहला जो मैंने दिया है दैट इज़ बेज न्यूड स्वेटर बेसिकली इसको स्वेटर बोल रहे हैं क्योंकि काफी थिक है एन बहुत अच्छा है ब्लेजर्स के अंदर पहनने के लिए विद हाई वेस्ट क्योंकि ये शॉर्ट है क्रॉप है तो आई प्रेफर टू वेयर इट विद हाई वेस्ट जीन्स और जेगिंग्स बट दिस इज़ अ वेरी नाइस टॉप मुझे काफ़ी पसंद आया एंड इसको मैं बहुत वेज में स्टाइल कर सकती हूँ सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स ये एक, एक क्रॉप्ड स्वेटर है बहुत वार्म स्वेटर नहीं है ऐसा कह सकते हैं बहुत ही थिक टॉप है ये तो इसको मैं स्वेटर नहीं कहूँगी डेफिनेटली बहुत ही थिक टॉप है बट इट्स अ वेरी स्मार्ट टॉप आई लव इट नेक्स्ट मैंने ली है जेगिंग्स uh, फ्राम ज़ारा uh, मेरी जो पहले की जेगिंग थी देव फ्राम दिस ब्रांड ओनली जो मैंने लाइफ स्टाइल से लिया था वो बहुत सालों तक मैंने रगड़ा और अब वो बिल्कुल ख़राब हो गया था सो आई थाट कि मुझे एक और जेगिंग्स देनी चाहिए मैंने बहुत सारी ट्राई की फ्राम मिंत्रा यू नो ऑनलाइन मैंने बहुत सारी मंगवाई मुझे कोई भी इतनी पसंद नहीं आई बट ये वाली जो मैंने मंगाई एंड बाई द वे मैंने एवरी थिंग आई ऑर्डर ऑनलाइन मैं ज़ारा के स्टोर पर अभी तक बिल्कुल नहीं गई हूँ और मैं पिछले एक दो साल से ऑनलाइन ही ले रही हूँ ज़ारा ईजी रिटर्न हो जाते हैं इसलिए आई लाइक इट एक्सचेंज नहीं अवेलेबल है सैडली Uh, <laughs> तो बार बार मंगवाना पड़ता है कुछ एक्सचेंज करना और फिर नया ऑर्डर करना पड़ता है सो दीज आर द दैगिंग्स बहुत हाई वेस्ट हैं ये परफेक्ट फॉर माई मॉमी टमी क्योंकि मेरी भी बहुत ज़्यादा टमी है uh, तो मैं हाई वेस्ट बॉटम्स ही प्रेफर करती हूँ so, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचबल है मैंने लिया है साइज लार्ज मैंने लार्ज साइज में लिया है ये एंड एकदम परफेक्टली फिट होता है इसमें पीछे पॉकेट्स नहीं है मतलब ये जीन्स वाला लुक नहीं है बट ये बहुत ही स्मार्ट फिट जेगिंग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आई एंड फाइनली मेरे पास फाइनली uh, मुझे जेगिंग्स मिल गई क्योंकि ब्लैक जेगिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाड में ज़रूर होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही बेसिक है नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया एक जॉगर पैंट्स बेज कलर में येस yes, uh, मैंने यू नो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को देखा फ्लौंटिंग जॉगर्स विद यू नो बेज ब्राउन कोट्स मुझे बहुत पसंद आया कॉम्बो सो आई थाट मैं भी लेती हुई हूँ मैंने ज़ारा में देखा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया सो दीज दीज आर द बेइजर्स ये मुझे लगता है ट्रैवलिंग के लिए बहुत परफेक्ट हैं बहुत स्मार्ट uh, लगते हैं इनको यू नो स्वेट शर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हैं क्रॉप टॉप्स के साथ विद यर जैकेट्स एंड विथ स्निक्स तो ये जो नीचे वाला है मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी विथ स्निकस पहनूँगी तो बहुत ही स्टाइलिश लगेंगे so, सो इसलिए मैंने ऑर्डर किया और मैंने ये जो साइज़ एल में ऑर्डर किया है मुझे एम भी आ रहा था बट वो तो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ये लूज स्टाइल लुक चाहिए था तो इसके लिए मैंने लार्ज लिया एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल एज वेल एज वेरी स्टाइलिश और ये थोड़ा तो सा थिक भी है सो so, ये विंटर सीजन के लिए परफेक्ट है नेक्स्ट स्वेट शर्ट फ्रॉम जारा तो ये वो स्वेट शर्ट है एंड बेसिक ग्रे स्वेट शर्ट जो मैंने ब्लैक जीन्स के साथ पहनने के लिए मंगवाया है इसके ऊपर मैं चेक शर्ट पहन सकती हूँ मैं ब्लैक जैकेट पहन सकती हूँ मैं कोट्स पहन सकती हूँ सो so, ये बेसिक स्वेट शर्ट है जो मैंने मंगवाई है नथिंग टू स्पेशल अबाउट एट जस्ट अ बेसिक वन ओके okay, नेक्स्ट मैंने ज़ारा से टू ब्राउन न्यूड बेस्ड कोट्स लिए हैं सो फर्स्ट वन इज दिस बहुत भारी है ओके सो फर्स्ट वन इज दिस कोट जो मैंने जारा से लिया है दिस इज काइंड ऑफ अ डीप टैन कलर बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही स्मार्ट कोट है ये एंड दिस इज फॉर आई थिंक इतना महंगा भी नहीं था थ्री थाउजेंड रुपीज का है एंड uh, बहुत ही स्टील डील लगी मुझे थ्री थाउजेंड में मतलब डील नहीं थी कोई इसका ओरिजिनल प्राइस ही काफ़ी मुझे सही लगा और बहुत ही स्मार्ट लुक वाला है एंड ये बेसिक है सबके साथ चलता है सो दैट्स वाई आई बॉट स्पेशली विद ब्लैक कलर इट लुक्स रेली नाइस एंड एक मैंने नेक्स्ट लॉन्ग कोट लिया है मतलब इससे भी लंबा बिकॉज मेरे पास एक भी नहीं था एंड आई वॉन्टेड टू बाई एक मेरे पास ग्रे है बहुत पुराना है uh, थोड़ा सा टाइट भी हो गया है वो सो आई गॉट दिस वन Uh, मैंने इसमें भी जो है लार्ज साइज लिया है और मैंने इसमें भी लार्ज साइज लिया है लेट मी चेक यस तो मैंने सारे कपड़ों में बेसिकली लार्ज साइजेस ही लिए हैं सो दिस इज़ हाउ द कोट लुक्स बहुत स्मार्ट है इसमें ब्लैक बटनस हैं एंड ये ना पूरे लुक को एकदम एलिवेट कर देता है वेन यू डोंट हैव टाइम जस्ट पुट ऑन दिस सॉरी बहुत स्मार्ट लगता है वेदर यू वेयर इट विद बूट्स चाहे स्नीकर्स किसी के साथ भी पहने तो मुझे कोट बहुत ज़्यादा पसंद आया दिस इज अ लॉन्ग लॉन्ग कोट काफ़ी लॉन्ग कोट है सो दिस वन वॉज एक्सपेंसिव बट आई थिंक टोटली वो दट मुझे बहुत पसंद आया ओके नेक्स्ट आई गॉट थ्री स्वेटर्स फ्रॉम मैंगो जो मैंने मिंत्रो से uh, मिंत्रा से लिया बिकॉज मैंगो और कहीं अवेलेबल नहीं है ओनली ऑन मैंगो वेबसाइट एंड मिंत्रा एंड मैंगो वेबसाइट के uh, जो शिपिंग चार्जेस है दैट इज 850 फिफ्टी विच आई थिंक इज इनसेन और एक्सचेंज और रिफंड पॉलिसी भी इतनी अच्छी नहीं थी सो आई बॉट दीज फ्रॉम मिंत्रा क्योंकि मिंत्रा पे मैंगो अवेलेबल है सो दिस इज द फर्स्ट स्वेटर बेसिक आप देखेंगे कैमल कलर स्वेटर है uh, आई लव डट मैं ये ब्लैक जीन्स के साथ बहुत पहनने वाली हूँ ब्लैक ट्राउजर्स के साथ आप देखेंगे मैंने जितने भी कलर्स लिया गया ब्राउन न्यूट बेस्ड कैमल पिक कलर्स एंड खाकी कलर्स बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक हैं और बहुत ही वेज में आप इनको स्टाइल कर सकते हैं तो ये काइंड ऑफ यू नो मस्ट हैव वॉर्ड्रोब्स हैं एंड इसमें से आई थिंक आई हैड ओनली वन ब्राउन कोट इन द पास्ट तो ज़्यादा नहीं थे एंड मैं अपना वाड्रोब अब मोर यू नो कलर पैलेट मैं जब बताया न्यू पैलेट की तरफ बिल्डअप कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं मैं इन सबको आपको ना स्टाइल करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा वेन दुक्स विल बी पुट टुगेदर अभी तो उनकी ट्राई ऑन हॉल में आपको जस्ट पहन के दिखा रही हूँ बट आई एम श्योर फॉलो मी इन इंस्टाग्राम वहाँ पे फोटोजर डालूंगी माई इंस्टाग्राम है डू फॉलो मी देयर सो दिस इज अ स्वेटर विच आई रिय लाइट लूज विट स्वेटर है ये एंड uh, काफ़ी ज़रा uh, वो है ये क्लोज नेट है तो वॉम uh, भी है एंड वेरी शीक आई थिंक ऑफिस के लिए भी काफ़ी अच्छा है वर्क वर्कवेयर के लिए वर्क वर्कवेयर के लिए मैंगो स्वेटर्स आर रियली गुड नेक्स्ट अगेन एक न्यू स्वेटर uh, है हाई नेक विच आई लव्ड मतलब इसका कलर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और ये वो बेस जॉगर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ऑल्सो इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस सो ब्लैक ट्राउजर्स के साथ इट विल लुक रियली नाइस सो दिस इज अ केबल नेट स्वेटर दिस इज हाउ इट लुक्स पीछे से ये ऐसा प्लेन है सो so, मुझे ये स्वेटर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड uh, इसमें भी मैंने लास्ट साइज़ लिया एंड उसमें भी मैंने लास्ट साइज़ लिया है ना नेक्स्ट इज दिस वाइट हाई नेक स्वेटर मुझे कब से एक वाइट स्वेटर चाहिए था एंड आई लव दिस वन फ्रॉम मैंगो इसमें कोई डील चल रही थी आई थिंक काफ़ी ऑफ पे मिला है मुझे 50-60 परसेंट ऑफ़ पे मिला है ऑन मिंत्रा एंड आई विल ट्राई टू लिंक प्रोडक्ट्स जितना हो पाएगा। मैंने सब कुछ ऑनलाइन लिया है बट वो अवेलेबल है कि नहीं आई डोंट नो सो जस्ट चेक दैट आउट नॉट स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग बॉट विद माई ओन मनी बट बहुत अच्छा स्वेटर है ये मैंने स्पेशली है अपनी ब्लू जीन्स के साथ पेयर करने के लिए फिर लुक रियली नाइस या फिर किसी भी जॉगर्स के साथ ऊपर से एक कोट ले लीजिए तो भी ये बहुत स्टाइलिश लगेगा सो so, मैं स्पेशली हाईनेक वाला ढूंढ रही थी बिना हाईनेक वाले तो बहुत ऑप्शन थे बट हाईनेक वाले ज्यादा ऑप्शन नहीं थे एंड दिस वो साइज स्मॉल तो मुझे नहीं श्योर sure था कि मुझे आएगा कि नहीं बट फाइनली आ गया जब ये आया तो आई लव इट मैंने इतने सारे व्हाइट स्वेटर्स मंगाए थे मैंने सब रिटर्न कर दी बिकॉज मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आया बट दिस वन आई रियली लाइक बिकॉज इट्स बेसिक और ये बहुत चीजों में चलेगा आई नो गप्पे ज्यादा हो रही है बट भाई बहुत दिनों बाद ऑलरेडी हो रहा है सो लेट्स डू गप शप आप सब भी मिस कर रहे होंगे आई एम श्योर ओके लास्ट आइटम है दैट इज पेयर ऑफ मैं आपको बताई थी मैंने मिंत्रा से लिए हैं एंड दीज आर दीज तो वाइट स्नीकर्स जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आई लव टू वेयर वाइट स्नीकर्स विद माई जीन्स तो मैंने ये लिए दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड ड्रेस पेरी मैंने बहुत सारे स्नीकर्स मंगवाए थे फ्रॉम मिंत्रा एंड मैंने ज़ारा एच एन एम भी चेक किए थे बट दिस इज द वन लाइक ये पीछे से इस तरह हैं एंड साइड से इस तरह हैं तो so, सब हो गए ये सब हो गया है मैंने आपको सब दिखा दिया है सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट हॉल वीडियो आई होप यू आर लाइक इट एंड आई नो आपने मेरे वीडियोस बहुत मिस किए सो आई विल बी ब्रिंगिंग अप मोर वीडियोस सून ऑन फैशन बिकॉज आई नो आप सब लोग वेट करते हैं सो डू लेट मी नो अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आई विल श्योरली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट ओके अगर आप पूछना चाहें कि ये स्वेटर मेगा आपने कहाँ से लिया है तो दिस वॉज फ्रॉम एच एंड एम नहीं दिस फ्रॉम जारा जो मैंने लास्ट ईयर लिया था एंड आई रियली लाइक दिस लैवेंडर कलर इट लुक्स वेरी नाइस एंड कलरफुल। सो ये था आज का वीडियो आई होप यू आर लाइक इट, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पर की मेक्स टू फॉलो मी देयर मिलती हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में फील ब्यूटीफुल बाय